बॉडी अलाइनमेंट करने से स्पोर्ट्स प्लेयर का जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। आपका स्ट्रक्चर अलाइन होगा तो आपकी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगी। जिस पॉइंट पे दबाया था वो पॉइंट दुख रहा है, बाकी सब बंद हो गए हैं, है ना? तो दुखती रग पे हाथ रखा ना दोस्त, क्या करें, काम ही ऐसा है दुखती रग पे हाथ रख के सुधारने का, भगवान ने काम ही ऐसा दिया है। ठीक है, बिल्कुल नहीं दुखा, खेले कूदे अपना। करी बैटिंग, बॉलिंग करी? बॉलिंग करने में पेन आता है ना? ठीक है, तो बॉलिंग करके देखना आप। ठीक है, अच्छा कोई कोच है आपके पास? है आपकी बॉलिंग में, उनको बोलना कि मेरी टेक्निक में कहां मिस्टेक आ रही है वो देखें। कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग द गेम हमारी कोई पर्टिकुलर टेक्निक गलत होती है, उस गलत टेक्निक की वजह से हमें रिपीटेटिव इंजरी होती है। जैसे हमारी कोई टेक्निक गलत है, ठीक है, क्योंकि इंजरी प्रिवेंशन का ये भी एक प्रिंसिपल है, द करेक्शन ऑफ टेक्निक। ठीक है, इंजरी से हमें बचना है ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स, वो भले क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, कुछ भी हो। तो क्या होना चाहिए हमारी, करेक्शन ऑफ टेक्निक, प्रॉपर वार्म अप, है ना, प्रॉपर सरफेस, प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स। ओके, टेक्निक इज फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल द गेम। ठीक है, तो आपके कोच को बोलिएगा कि मैं जब बॉलिंग करता हूं मुझे आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, मेरी टेक्निक में कहां मिस्टेक आ रही है वो ढूंढ लें। ठीक है ना, जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनको महीने में एक बार अपना पूरा होल बॉडी अलाइनमेंट कराना चाहिए। कायरोप्रैक्टिक बॉडी अलाइनमेंट करने के बहुत सारे फायदे हैं। एवरीथिंग ऑल राइट? यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ये इसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिया, उसका रीजन है कि वो उनको डीएनएस कराते हैं, तो उनका रिहैबिलिटेशन वर्क इतना अच्छा है कि वो जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनका परफॉर्मेंस पीक पे है। तो इसलिए प्राग स्कूल ऑफ रिहैबिलिटेशन की वजह से, उसके फाउंडर की वजह से, वो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया कि वो गोल्ड मेडल्स की लाइन लगा दी। वो छोटी सी चीजें पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए ट्रेनिंग का, नहीं तो आपकी करेक्शन ऑफ टेक्निक्स भी कितनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो वो किस काम का है। जैसे आपने साल भर बहुत अच्छी मेहनत करी, लेकिन एग्जाम टाइम में वो जो 3 घंटे आपको मिले थे उसमें आप आपका 100% नहीं दे पाए, पीक परफॉर्म नहीं कर पाए, तो रिजल्ट तो कैसा आना है? तो आपने साल भर कितने अच्छा पढ़ा हो उसका क्या सेंस है? वो 3 घंटे में आपको परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तो तैयारी आपकी वैसी ही होनी चाहिए, समझ रहे हैं? जैसे अभी बच्चे में मैंने आपको कहा कि इसका बहुत सारा मस्कुलर इम्बैलेंस है जिसकी वजह से इसका पीक परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पा रहा है, या इसको बार बार इंजरी हो रही है, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि मस्कुलर बैलेंसिंग नहीं है प्रॉपर। वो हो जाएगी तो इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। मतलब ये हमने स्पोर्ट्स पर्संस में देखा है कि डीएनएस कराने के बाद जो हम डायनामिक न्यूरोमस्कुलर स्टेबलाइजेशन कराते हैं स्पोर्ट्स पर्संस को, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस में सडन, मतलब जो है राइज आता है, सडन राइज। मतलब जो रनर्स भी हैं, जैसे वो 800 मीटर मान लो दौड़ रहे हैं और उनको 4 मिनट लग रहे हैं, तो धीरे धीरे वो 2.5 मिनट पे आ जाते हैं, 2 मिनट पे आ जाते हैं। मतलब उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। जिनको ये करना है कि साहब हमको ये पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए जाना है, वहां 800 मीटर रेस में दौड़ना पड़ेगा और इतना टाइम लिमिटेशन है,
टेनिस कराओ 10 दिन, तब इनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता। तो हम लोग का रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल वैसा है ऐसा। तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन में डायनामिक न्यूरोमस्कुलर स्टेबिलाइजेशन जो है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। तो वही हम यहाँ जितने स्पोर्ट्स वाले आते हैं उनको वही करा रहे हैं।